हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल IVME में। मैं आज बात करने जा रहा हूँ, गाय हरा घास खाती है लेकिन दूध सफ़ेद देती है, ऐसा क्यों होता है? तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके बारे में। दूध को संपूर्ण और संतुलित आहार कहा जाता है। इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत करती है। दूध के सफ़ेद होने का कारण केसिन नाम का प्रोटीन होता है, जो केसिन नाम का प्रोटीन कैल्शियम के साथ मिलकर दूध को सफ़ेद बनाता है। इसके अलावा दूध में फैट यानी वसा की भी मात्रा होती है। दूध में वसा यानी फैट की मात्रा जितनी अधिक होगी, दूध उतना सफ़ेद और अच्छा होगा। जिस प्रकार मानव शरीर में भोजन के रूप में कई तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे रोटी, चावल, दाल, फल, सब्जी इत्यादि, जो कि विभिन्न प्रकार के रंगों की होती है, उन्हीं पदार्थों का सेवन करने से ही शरीर में ब्लड बनता है जो कि लाल होता है। ऐसा क्यों होता है? जब मानव शरीर शिशु के रूप में होता है तब उसमें तकरीबन आधा लीटर ही ब्लड होता है, लेकिन एक विकसित मानव शरीर में तकरीबन 5.5 लीटर ब्लड होता है जो कि मानव द्वारा लिए गए आहार के द्वारा ही बनता है। ठीक उसी तरह जब गाय हरा घास खाती है तो उसमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो गाय के द्वारा खाए गए हरी घास गाय के पेट में जाकर पाचन क्रिया के क्रम में विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स में विभाजित हो जाते हैं और या ब्लड और दूध के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्लड गाय के शरीर में चला जाता है और दूध गाय के स्तनों में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।